एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाऊं, बीच में ही इसका इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी हो गई और समय पूरा हो गया, तो मतलब भर गया ये, तो इसलिए बीच में ही ये रुक गया। तो जहां हमने इसको समाप्त किया था वहां से आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपको कि कर्म आदि कारक, कर्म में कर्मणि द्वितीया कह दिया और कर्णे तृतीया कह दिया, संप्रदाने चतुर, चतुर्थी संप्रदाने कह दिया, तो इस तरह से सप्तमी तक का भी कह दिया। सप्तमी उसमें अष्टाध्यायी में पहले आ जाती है, षष्ठी बाद में आती है, इसलिए षष्ठी शेषे कहा गया, जो बचा है वो षष्ठी है। तो सब कुछ कह देने के बाद एक बात रह गई, और वह क्या रह गई कि संबंध रह गया। जैसे कहा गया कि राजा का पुरुष, राजा ने कोई आदमी भेजा किसी के पास कि जाके पता करो वह कैसा है, तो राजपुरुष कहलाता है वो, तो राजा का पुरुष हो गया। तो ये संबंध है किसका, राजा का। किसके साथ संबंध है, पुरुष के साथ संबंध है। तो ये कहीं से नहीं पता चला, कर्म पता चल गया, करण पता चल गया, संप्रदान अपादान अधिकरण सब पता चल गया, लेकिन इसको किस में रखेंगे, संबंध को किस में रखेंगे। तो कहा कि इसको जो बाकी बचता है उसको षष्ठी में रखिए, यही कहे। इस सूत्र का अर्थ यही है कि जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है करता वह कर्म हुआ, जो कार्य में जो क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक है वह करण हुआ, जिसको कुछ देना चाहता है वह संप्रदान हुआ, जिससे वियोग होता है वह अपादान हुआ, और जिस पर है जिसमें है उसमें जिस जो आधार है उसका वह अधिकरण हुआ। लेकिन अभी यह जैसे कहा राजा का पुत्र, मान लीजिए राजा का पुत्र, तो अब राजा का पुत्र जो है तो राजा का, तो राजा का किस में लेंगे, ये न कर्म में आ रहा है, न करण में आ रहा है, न संप्रदान में आ रहा है, न अपादान में आ रहा है, न अधिकरण में आ रहा है, किस में आ रहा है। तो कहा कि यह शेष बचा हुआ जो है वह षष्ठी में आएगा। तो यानी आप यूँ समझ लीजिए कि संबंध संबंध भाव जो है वो संबंधी जो है वह षष्ठी में होता है। तो जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है कि राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राजा यहाँ राजन पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। राजन पदार्थ है, राजन मतलब राजा, और उसका पुरुष के साथ संबंध है। तो क्या संबंध है, तो स्व राजा वह स्वयं हुआ, स्वामी भाव यानी कि वह उसका स्वामी है, किसका, जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे कहा, इसको ऐसे समझिए, अगर मैं वाक्य में कहूँ कि राजा का पुत्र आता है, तो पुत्र आता है, राजा का पुत्र आता है, तो राजा का पुत्र आता है तो आने का काम राजा नहीं करता है, आने का काम उसका पुत्र कर रहा है। तो पुत्र तो हो गया कर्ता, तो राजा क्या कर रहा है, तो राजा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन राजा का संबंध है किससे, उस पुत्र से। तो इसलिए कहा राजा का, वह अधिकरण में भी नहीं आएगा क्योंकि अधिकरण को नहीं बता रहा है, आधार नहीं है पुत्र, वह न करण है क्योंकि पुत्र तो स्वयं एक स्वतंत्र सत्ता है, करता है ना, वह चलता आता है। तो इसलिए अब इसको किस में रखेंगे, तो इसको कहा कि इसको हम षष्ठी में रखेंगे। इसलिए कहा राजा का पुत्र संबंध हो गया, तो इसी राजा का, राजा का ध्यान करिए, राजा का के लिए संस्कृत है राज्य, षष्ठी एक वचन में राज्य, और क्या बन गया, राज्य पुरुष, और यही इसका षष्ठी एक वचन में राज्य रूप बना और राज्य पुरुष रूप की सिद्धि हुई। तो यही षष्ठी का अर्थ है। तो इस तरह से हमने आज दो सूत्रों की पढ़ाई की है, शेष हम आगे देखते हैं। धन्यवाद।